नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे इस सुंदर फूल वाले पौधे के बारे में जिसका नाम है गजानिया। गजानिया पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल आते हैं, अलग अलग कलर्स में ये मिल जाएगा। बहुत सारे कलर्स इसके मिलते हैं, तो आप बहुत सारे कलर्स लगा सकते हैं, तो बिल्कुल रंग बिरंगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और एक फूल कई दिन तक हमारा खिला रहता है, बिल्कुल सूरजमुखी की तरह है ये। जैसे सूरज निकलता है तो खिल जाता है, और जैसे शाम होती है तो आगे से ये पंखड़ियाँ बंद हो जाती हैं, और अगले दिन फिर से जैसे ही सूरज निकलता है तो खिल जाता है। तो इससे ही आप लगा लीजिए कि इसको धूप बहुत पसंद है। धूप के साथ ही इसकी जो पंखड़ियाँ हैं वो खिलती हैं, और ये फूल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और कलर्स देखिए आप कितने सुंदर हैं इसके, और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास तो ये एक ही है अभी, मैं सोच रही हूँ और भी इसके लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ही सुंदर लगता है ये फूल। और काफ़ी छोटे से पर इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी से ला सकते हैं। सीड से ग्रो करने का तो अब टाइम नहीं है, अब तो आप इसको नर्सरी से ही लाइए, और ताकि खूब सारे फूल खिलें आपके यहाँ इससे। तो आज हम इसकी केयर के बारे में बात करेंगे, इसकी देखभाल कैसे करें और कैसी जगह पर इसको रखें अगर आप इसको बालकनी में लगाते हैं तो। तो दोस्तों आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, ऐसे को थोड़ी बड़ी सी बास्केट आपको लेनी होगी। तो अगर आपको के यहाँ नीचे जगह नहीं है रखने के लिए तो आप टांग दें इसको, या फिर आप गमले में लगाएं। जैसे कि छोटा गमला है ये, देख सकते हैं आप, 6 इंच का है ये, प्लास्टिक का गमला है मेरा छोटा सा। तो जिस हिसाब से ये पौधा है उसी हिसाब से मैंने गमला लिया है। हमेशा जब भी आप कोई भी पौधा लें तो उसको पहले देख लें कि वो कितना बड़ा है, उसी हिसाब से गमले में उसको लगाएं। क्योंकि अगर हम छोटे पौधे को बड़े गमले में लगा देंगे तो पौधा जल्दी ही हमारा मर सकता है, ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसमें बड़े गमले में पानी ज़्यादा रुकेगा और जितनी उसको ज़रूरत नहीं होगी, खाद पानी सब कुछ ज़्यादा रुकेगा उसमें। तो छोटे गमले में लगाएं छोटे पौधे को, और मिट्टी आप देख लीजिए बिल्कुल वेल ड्रेन है। तो मैंने हमेशा आपको बताती हूँ कि 50% आप मिट्टी ले लें, 50% उसमें आप रेत मिला लें नदी वाला या फिर कोकोपीट मिला लें, और 50% आप इसमें खाद मिला लें, क्योंकि फूल वाले पौधे हैं। और जब ये 3-4 इंच का पौधा हो तो आप इसको 6 इंच के गमले में लगाएं। छोटा सा गमला इसके लिए काफ़ी होगा, और वैसे भी ये ऊपर से फैलता ज़्यादा है, उसकी जड़ भी इसमें जितना ये है इसमें अच्छे से फैल जाएंगी। जितने भी ये सर्दियों के फूल वाले पौधे होते हैं इनकी जड़ बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती, तो इनके लिए इस टाइप के गमले अच्छे रहते हैं। तो मिट्टी के बारे में हमने बात कर ली। देखिए इसमें और भी देखिए कलियाँ आ रही हैं, तो छोटे से में देखिए एक इधर से कली आ रही है और देखिए एक इधर से भी आ रही है, यानी कि अभी कुछ ही दिन में इस पर 3 फूल खिले होंगे। तो कितने छोटे से पौधे पर, और चारों तरफ से ऐसे ही इसमें कलियाँ और पत्तियाँ निकलती रहेंगी, और एक ही साथ इसमें खूब सात सात आठ आठ फूल भी खिल जाते हैं एक ही पौधे में। तो बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर लगता है, और कलर्स तो इतने होते हैं, आप किसी भी कलर्स का लें, एक साथ दो लगा दें और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे किसी बड़े गमले में। तो और मिट्टी की बात हो गई, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र आप इसको लिक्विड में दीजिए, या तो आप सरसों की खल का फर्टिलाइज़र दें इसको, या फिर आप कंपोस्टीज को दें, कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को 1 लीटर पानी में भिगो के कुछ दिनों के लिए रख दें, और फिर उसको 10 लीटर पानी में मिलाकर अपने जो पौधे हैं उनमें दें, बहुत ही अच्छी रहती है। कंपोस्ट भी इसलिए देते हैं हम पौधों में जितने भी सर्दियों के फूल वाले होते हैं, कि वो जल्दी से जड़ों तक पहुंचती है, और इनको अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है फूल खिलने के लिए, तो वो इनको अच्छे से मिल जाता है। तो इस तरह से लिक्विड आप इसको फर्टिलाइज़र दें हर 10 से 12 दिन में, तो उतने ही अच्छी कलियाँ और फूल आएंगे। और धूप की इसको बहुत ज़रूरत है, तो आप जहाँ भी इसको इतनी भी ज़रूरत नहीं है, मतलब 4 से 5 घंटे अगर धूप आती है, 4 घंटे भी आती है, तो ये अच्छे से खिलता रहेगा। यानी कि फुल डे वाला ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फुल डे इसको धूप चाहिए, अगर 4 घंटे 5 घंटे धूप आती है आपके बालकनी में तो आप इसको लगा सकते हैं, खूब अच्छे से इस पर फूल भी आएंगे, और जैसे ही धूप निकलेगी तो ये खिल जाएगा। क्योंकि धूप इसको खिलने के लिए धूप बहुत चाहिए, तभी ये फूल खिलेंगे। अगर इसको धूप नहीं पड़ेगी इसकी पंखुड़ियों पर तो इसका जो फूल है वो खिलेगा नहीं, आगे से ऐसे मुड़ा मुड़ा सा रहेगा। तो इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं। पानी आप हमेशा चेक कर दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें,
और कुछ ही दिनों में हमारा ये गमला बहुत ही अच्छे से भरा हुआ होगा। तो आप अपने घर में, अपनी बालकनी में गजानिया लगाइए, बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, बहुत अच्छे सुंदर फूल वाला पौधा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।